गाइस, मैं गोपाल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग में। और जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे जस्ट सनराइज हो रहा है, इतना प्यारा लग रहा है पता है। ओए होए, एक नंबर का सनराइज हो रहा पता है। और मौसम इतना सुहाना हो रखा है, इतना सुहाना हो रखा है, मैं क्या बताऊँ आपको। दिल्ली में बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है अभी। और अभी मैं टाइम बोलता हूँ सुबह के 6 बज चुके हैं, मैं 5:30 बजे उठ गया था सनराइज़ कैप्चर करने के लिए। बट जैसे ऊपर आया ना, मतलब पंछियों की इतनी प्यारी सी आवाज़ आ रही है यहाँ पे भी, क्या बताऊँ। सुनो ध्यान से, बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है। तो मैं यहाँ पे बहुत देर, जब तक मैंने फ़ोन स्टैंड पर लगा के सनराइज़ का मैं टाइम लैप्स बना रहा था, तो मैं बैठा हुआ था आराम से आंखें बंद करके। ये ठंडी ठंडी हवा चल रही थी प्यारी प्यारी, ठीक है, क्या बताऊँ मैं। बहुत प्यारी हवा चल रही है और साथ में चिड़ियों की आवाज़। बहुत टाइम बाद मैंने दिल्ली में ऐसा नज़ारा देखा, सही बताओ। कि और दिन सो उठता था तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन दिखता था, लेकिन आज पहली बार मुझे ये नज़ारा दिखा। कितना प्यारा लग रहा पता है अभी। वही हुई, मैं बस ऐसे ही खुली हवा में सांस लेता रहूँ। बहुत मस्त मौसम पता है। इस मौसम में भी जज नहीं कर सकता, इतना प्यारा मौसम हो रखा है यहाँ पे कसम से। चलो थोड़ी देर ऐसे ही बैठते हैं यहाँ आराम से और थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, योगा वगैरह कर लेते हैं, करनी तो है ही। और आज पुशअप चैलेंज भी करना है तो वो भी करते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन सबसे पहले इस प्यारे से मौसम का खूबसूरत सा आनंद लेते हैं। तो आपने सफाई करने के बाद आप करते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि छत हो चुकी है पूरा साफ चकाचक, आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल साफ़ कर दी छत मैंने एकदम पोछा मार मार के। तो आप थोड़ा एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं आज की, और चलो एक्सरसाइज करते हैं पहले। अरे बहुत प्यारा मौसम आज का, बहुत अच्छी हवा चल रही है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो मौसम प्यारा है कि मम्मी लोग भी चाय पीने के लोग पर आ गए छत पे, मम्मी पापा दोनों चाय पी रहे ऊपर छत पे आराम से हवा का मज़ा लेते हुए। मैं तो मौसम का मस्त है ना, सुबह सुबह गुड़ के साथ चाय। मम्मी सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप, ओके क्योंकि चाय पी लेते हैं हम, करते हैं एक्सरसाइज तो करेंगे नहीं, हम ही कर लेते हैं। चलो काम, और पापा शुरू कर चुके हैं अपने पोछे की तैयारी सफाई करने की। सुबह सुबह छत पर तो मैंने कर दिया, गुड़ के चाय पी रहे, मम्मी गुड़ के चाय पीने में लगी पड़ी है आराम से सुबह सुबह। अभी यहाँ पर मम्मी चहलकदमी कर रही है ब्रश करते करते। मम्मी इतने से चहलकदमी से आपको हो जाएगा एक्सरसाइज फिर हो जाएगी आपकी। तो मम्मी भी एक्सरसाइज कर रही है अभी, बस चल रही छत पर एक्सरसाइज कर, इधर से उधर, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ। देखो आई ना अभी, यहाँ चलते चलते आएंगी और यहाँ पर आके इनकी रेस ख़त्म हो जाएगी। देख बस रेस ख़त्म, अब वापस याओ। तो यहाँ पे भैया जी कह रहे हैं शेविंग। भैया जी हाँ, शेविंग है, शेविंग दाढ़ी बना रहा हूँ। कुछ तो कर ही रहा ना, मैं दाढ़ी बना रहा हूँ, दाढ़ी बड़ी हो गई ना थोड़ा सा। नहीं मैं सोचा थोड़ा सा हल्का मूंछों में भी लग रही है थोड़ा सा, तो हल्की छोटी का 7 नंबर लगाता हूँ, देखता हूँ कितना आता है ना। मैं बोला 0 तो पागल हो गए, 0 दाढ़ी में भी और मूंछों में भी भंडा लगाऊं भंडा, और 0 है ये, 1 है ये, पागल के 7 नंबर है वो। भैया जी खुद ही भूल गए कि मैंने 5 नंबर लगा के, मैं सच में एक नंबर लगा दी गई सात समझ के। भैया जी को देखो, फेस देखो भैया जी का, खुद ही भूल गए थे भैया जी क्या कौन सा नंबर है। दोस्तों
यहाँ पे मैंने भैया जी के बाल काटे। वैसे आगे से तो दिखने वाले ठीक हो रखे हैं, क्योंकि आगे से तो भैया को दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने ठीक काटे। जहाँ से नहीं दिख रहे वहाँ से कुछ भी कर दो, पता ही कौन सा चल रहा है। आप भी देख सकते हो भैया जी के बाल पीछे से, ये देख रहे हो। अरे भाई साहब यहीं पे मैंने जी बना रखा है जी। पागल हो गए क्या? ये देखो शक देखो शक। आप उस कुत्ते को देख सकते हो गली में, देखो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रेता पड़ा हुआ था बदरपुर, उस कुत्ते ने क्या करा, अपने शेप का पूरा नीचे तक खन दिया उसे। हाँ पूरे गौर से देख सकते हो, पूरा घुस गया उसमें खोद खोद के। हो सही मजे कर रहा है यहाँ पे करके, ठंड लग रही होगी ना सीधे ना। हाँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कर रहा था वीडियो अपलोड करने के बाद शेयर, और इतने में गोपाल भी आ गए नहा धो के। यो तो ऐसा लग रहा है हेयर कट आफ्टर प्रिया से काटे हुए बाल, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बकवास। बकवास लग रहे क्या? मजाक नहीं कर रहा, सेम बकवास लग रहे। मजाक कर रहा हूँ। तो भैया जी ने बाल फाइनली कटवा लिए अपने। अच्छा लग रहा है। साइड से कटवाया, ऊपर से नहीं कटवाया, साइड से कटवा लिए, क्योंकि आज गर्मी बहुत लग गई दिल्ली में ना, तो मुझे लगा था कि कटवा लेते हैं तो हल्का कर लेते हैं। ठीक है, अब सही लग रहा मुझे। आपको सही लग रहा है? हाँ, अब देखते हैं कितनी दिनों सही लगता है आपके बाल कटवाए। हाँ तो दोस्तों कुछ ऐसा है मेरा लुक आज का, देखो कैसा लग रहा हूँ मैं। एक मिनट। तो यहाँ पे गोपाल भैया फाइनली गाड़ी का कवर निकाल लें, क्योंकि आज पापा के साथ भैया जी जा रहे हैं। पहले गाड़ी वहां लगी रहती थी, अब यहां पे लगा दी। तो अभी हो गए यहाँ पर चाचू का एक्सरे, देखते हैं अगर आज एक्सरे में सब सही होगा तो फिर शायद प्लास्टर काट देंगे। लेट से देखते हैं क्या होता है। बैठे रहो आप। गर्मी नहीं हो रही क्या? गर्मी नहीं हो रही? अच्छा तभी बैठ जाओ। चलो देखते हैं, आई होप आज प्लास्टर कट जाए चाचू का, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं आफ्टर एक्सरे चेक करने के बाद। तो फाइनली आज चाचू का 28 दिन के बाद प्लास्टर कट रहा है। ठीक है, चाचू को डर भी लग रहा है हल्का। चाचू बोल रहे थे कि मेरा पैर ना काट दे करके दोबारा इससे। चलो कोई बात नहीं, आई होप सो सेफली से हो जाए। चाचू के ना डर लग रहा, देख रहे हो अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन फिर भी चाचू को डर लग रहा है अभी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। चाचू की तो देखते रहना है, चाचू डरेंगे भी पक्का यहाँ पे। देखो चाचू पूछ रहे हैं उससे। बहुत बढ़िया। तो अब इस मशीन से इस प्लास्टर को काट रहे हैं, आराम से काटेंगे उसे देख के, ताकि अंदर कोई इफेक्ट ना हो। तो हो सकता है पैर में लग जाए, उसे पैर में लगता नहीं क्योंकि इनको पता होता है कि मशीन इतनी होती है कि अंदर जाए ना हो, है ना, इसी हिसाब से मशीन बनी हुई होती है। चलो फाइनली अब चाचू खुद ही लग गए हैं उसे काटने में अपने प्लास्टर। बोले जल्दी जल्दी काटो यार, मुझे जाना है घर, मैं नहीं देख सकता अपने पैर में प्लास्टर को और ज़्यादा। चलो फाइनली काम ख़त्म हुआ आज हॉस्पिटल का। चलो तो फाइनली हम लोगों का हॉस्पिटल का काम हो चुका है ख़त्म, और हम जा रहे हैं घर। चाचू का प्लास्टर कट चुका। चाचू कैसा लग रहा आपको? अब तो हल्का पड़ रखा है, लेकिन पैर सीधा टेढ़ा नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, टाइम लगेगा टेढ़ा होने में। आ तो सीधा प्लास्टर कर रखा था, उनसे टेढ़ा नहीं हो रहा, तो टाइम लगेगा उसमें। तो क्या मालिश सपोर्ट देना पड़ा, सपोर्ट। हाँ तो क्या गर्म पानी से सेक करेंगे तो घुटने में, तो घुटना फिर मुड़ना शुरू करेगा धीरे धीरे। कोई नहीं, टाइम लगेगा। अभी तो इनको डर भी लग रहा है ना कि आज तक तो ऐसे रख दे रहे थे पैर, अब ना डर लग रहा है कि पैर दोबारा मोच ना आ जाए करके एकदम वेट डालने में। चलो तो हम भी चलते हैं फटाफट घर, बहुत लेट हो चुके हैं, अभी टाइम 9:30 होने वाला है, हो चुका है, होने वाला क्या है, हाँ हो चुका है, 9:26 हो चुके हैं। तो फटाफट घर चलते हैं, और फिर लाइव स्ट्रीम भी तो जानी 10 बजे से, है ना। और आज के ब्लॉग कहीं पे ख़त्म करते हैं, तो कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने घर वालों का ख्याल रखो सब लोग, और कोविड है, स्टे होम स्टे सेफ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।